बाल आयोग के जो सदस्य आए थे उन्होंने इस मदरसे में काफी खामियां बताई, क्या प्रशासन को मिला था, आपने आप लोगों ने भी जांच की है और आज क्या किया आप लोगों ने? देखिए बाल आयोग की जो सदस्य आई थी तो उसका जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट अभी हमको मिली नहीं है। बाकी जो बात आई थी कि यहाँ पर जो मदरसा में जो है मदरसा की जो लड़कियाँ हैं उनको जो है प्रॉपर स्कूल में भी एडमिशन किया जाना चाहिए था, तो जो स्कूल में एडमिशन की बात आई थी क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत जो 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन चूँकि यहाँ पर इनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पा रही थी इसलिए उन्होंने इंडिकेट किया था। तो आज हमने मदरसा वालों से बात भी करी है और जितने बच्चियां जो स्कूल में एनरोल नहीं थी उन सबका एडमिशन यहां पे करवाया है। इस मदरसे में कितनी बच्चियां थी जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं था? लगभग 43 बच्चियां थी जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, तो उनका आज हमने एडमिशन करवाया। सर दूसरे मदरसे भी आपने चेक करवाए होंगे, क्या पाया उनमें? दूसरे मदरसे में भी कुछ कुछ खामियां पाई हैं। एक मदरसा तो पूरी तरह पंजीयत है और उसका मान्यता भी है, बाकी एक मदरसा में कोई भी मिला नहीं था। दो मदरसे जिनमें कुछ खामियां हैं तो उसके लिए हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, उनमें टीम ने बताया था उनको, उन्होंने मदरसा बोर्ड से मान्यता वगैरह नहीं ली है। सर जिन मदरसों में बच्चियां को एडमिशन नहीं था स्कूल में उनके खिलाफ कुछ दूसरे एक्शन लिया जाएगा क्या, या केवल बच्चियों को एडमिशन करा के मामले को चुप कर दिया जाएगा? अभी हम ना बाल आयोग के जो मेंबर हैं उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे।